एशियन गेम्स में हरियाणा का डंका बज रहा है, जी हां, हरियाणा की छोरी विनेश फोगाट ने 18वें एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, देश का सिर दुनिया में गर्व से ऊंचा कर दिया और ये साबित कर दिया कि छोरी छोरों से कम नहीं। हमारी छोरियां छोरों से कम है के अपने खूंखार एक शेरनी की तरह लड़ी है और वो उसने साबित किया है कि वो एक चैंपियन है। हरियाणा की छोरी विनेश फोगाट ने वो कर दिखाया जो आज तक देश की कोई छोरी नहीं कर पाई थी। 23 साल की पहलवान विनेश ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। मैं काफी मतलब सुबह से मुझे अच्छा फील हो रहा था, मेरे गट्स फीलिंग काफी अच्छे मुझे लग रहा था कि हाँ कि आज कुछ अच्छा हो सकता है। बस मैं वहीं सुन रही थी, खुद पे बिलीव कर रही थी कि हाँ आज मैं कर सकती हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेरे लिए तो काफी मायने रखता है क्योंकि एशियन गेम्स हमारा बिल्कुल ओलंपिक के उसमें मानते हैं हम रेसलिंग में, और जापान पावर हाउस है रेसलिंग का, उसको मैंने बीट किया है तो काफी अच्छा लग रहा है कि फील हो रहा है कि हाँ मैं जो मेहनत कर रही हूँ या लोग जो विश्वास कर रहे हैं उन पर मैं खरी जा रही हूँ। विनेश दंगल फिल्म से चर्चित गीता बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के साथ वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया हो। विनेश ने जापान की इरी युकी को 6-2 से हरा कर गोल्ड जीता। मजबूत इच्छा शक्ति के बूते न सिर्फ हरियाणा की इस बेटी ने जोरदार वापसी की बल्कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। हाल ही में विनेश ने हंगरी में ट्रेनिंग ली है और इसी महीने अगस्त में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। आपको विनेश की उपलब्धियों के बारे में ही बताते हैं। विनेश की उपलब्धियां 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2014 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज, 2017 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर, 2018 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और 2018 में ही एशियन गेम्स में गोल्ड। वैसे आपको बता दें कि विनेश की कहानी काफी संघर्ष वाली रही है। 24 अगस्त 1994 को जन्मी विनेश द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता महावीर फोगाट की भतीजी और इंटरनेशनल पहलवान गीता फोगाट बबीता फोगाट की चचेरी बहन है। महावीर फोगाट के भाई राजपाल यानी विनेश के पिता का मर्डर हो गया था, उस समय विनेश महज 10 साल की थी। इसके बाद महावीर फोगाट ने ही अपनी बेटियों के साथ विनेश और उसकी बहन प्रियंका को पहलवानी की ट्रेनिंग दी। हिसाब किया बराबर। रियो ओलंपिक में विनेश के पैर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उनके भविष्य पर सवाले निशान लग गए थे, लेकिन चीन के जिस पहलवान सुन यानान के चलते उन्हें ये चोट लगी, उन्हें विनेश ने शुरुआती मुकाबले में ही हरा दिया था। एशियन गेम्स में विनेश ने सबसे पहले मुकाबले में सुन यानन को 8-2 से हराया था। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में विनेश ने साउथ कोरिया की किम ह्युंगजू को धूल चटाई, फिर सेमीफाइनल में उन्होंने उज्बेकिस्तान की याक्शी मुर्तोबा को हराया था। फाइनल में विनेश ने जापान की युकी इरी को 6-2 से पटकनी दी। बेटी की उपलब्धि पर मां की आंखों में आ गए आंसू। बेटी विनेश फोगाट की उपलब्धि पर मां प्रेमलता की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए उनकी मां कहती है कि बेटी को ताऊ महावीर फोगाट की हिम्मत ने बल दिया और गोल्ड जीतकर ताऊ और परिवार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तड़के ही गए, इंतजार में बैठे थे टीवी का, गए बेटी का गोल्ड खातर इतना इंतजार में थे, बहुत खुशी हुई है। देश का गांव का सबका मान सम्मान करया। विनेश के पिता की मौत होने के बाद एक बार तो वो टूट चुकी थी कि छोटे बच्चों का कैसे गुजारा कर पाऊंगी। महावीर जी ने हिम्मत दी और मेरी बेटी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए गोल्ड जीत कर सिर ऊंचा कर दिया। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, महावीर फोगाट ने तो ट्वीट करके बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वाह विनेश फोगाट, जीत लिया तन्ने गोल्ड और दिल। तो चोट लगने के बाद में उन्होंने जो एक साल फिर वापसी करी है तो मेरे को तो खुशी जो होनी थी, लेकिन सारे हिंदुस्तान के जो उनको सबको खुशी है और मैंने आज उम्मीद है 2020 के अंदर जो है मेरी बेटी अवश्य जो है गोल्ड मेडल लेगी। महावीर फोगाट ने कहा कि कुश्ती पुरुषों की जागीर नहीं है, ये इन बेटियों ने साबित कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक में मेरी बेटियां मेडल जीत कर लाएंगी। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि डटे रहो, लड़ते रहो और आलोचनाओं को अनसुना करते रहो। इसी मंत्र से मुझे और मेरी बेटियों को सफलता मिली है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखिए और कड़ी मेहनत करिए तो मुकाम हासिल हो जाता है।
बेटियों को सिर्फ मौका देने की जरूरत है, वो आसमान छू सकती हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। जकार्ता एशियाई खेल में भारत को स्वर्ण पदक के साथ गौरवान्वित करने वाले सौरभ चौधरी इंडिया कैंप में अपने प्रशिक्षण के दौरान अंग्रेज कोच की भाषा नहीं समझ पाता था। स्टार शूटर जीतू राय के स्थान पर जकार्ता एशियाई खेल दल में शामिल सौरभ का ध्यान सिर्फ अंग्रेज कोच के भाव पर रहता था। 16 साल की उम्र में ही एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की सौरभ ने देश का मान गौरव बढ़ाया। बिनौली शूटिंग रेंज में निशानेबाजी के गुर सीखने वाले सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए मेडल हासिल करके सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। 16 वर्षीय सौरभ ने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 240.7 अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सौरभ चौधरी की इस उपलब्धि पर मेरठ स्थित उनके गाँव कलीना से लेकर बागपत के बिनौली की शाहमल शूटिंग रेंज तक में जश्न का माहौल है। उनके कोच अमित शोरणा के साथ साथ उनके साथी शूटर भी सौरभ की मेहनत और उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। इससे पहले सौरभ चौधरी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। सौरभ ने 586 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौरभ चौधरी को स्वर्ण पदक जीतने पर 50 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि सौरभ को राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी का पद दिया जाएगा। किसान परिवार में जन्मे सौरभ चौधरी का अगला लक्ष्य 2020 टोक्यो ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलवाना है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ही ये कमाल कर पाए हैं। देश के इस होनहार निशानेबाज से उम्मीदें बढ़ गई हैं। 2017 में गोल्ड मेडल के साथ सौरभ यूथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सौरभ के माता पिता उनके कोच को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। जिस शूटिंग रेंज में वो प्रैक्टिस करते थे उसमें भी जश्न का माहौल है। सौरभ चौधरी मेरठ जिले के कलीना गांव के रहने वाले हैं। कक्षा 10 में पढ़ रहे सौरभ चौधरी बागपत जिले के बरनावा के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। सौरभ के बड़े भाई नितिन ने बताया कि सौरभ को बचपन से ही निशाना लगाने का शौक था। वो गांव और आसपास लगने वाले मेलों में जाकर गुब्बारों पर निशाना लगाते थे और वहां से इनाम जीत कर लाते थे। वर्ष 2015 में जब सौरभ 13 साल के थे तब उन्होंने पहली बार शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। सौरभ के पिता जगमोहन सिंह साधारण किसान हैं जबकि माता ब्रजेश देवी गृहिणी हैं। सौरभ के परिवार में कोई भी शूटिंग का खिलाड़ी नहीं है। भाई नितिन के मुताबिक गांव के कुछ लड़के शूटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे, उन्हें देखकर सौरभ ने भी इसकी प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद साल 2015 में बड़ौद के पास बिनौली में वीर शाहमल राइफल क्लब से उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत करते हुए भारत को ये स्वर्ण पदक दिलाया। सौरभ चौधरी पर मेरठ ही नहीं बल्कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। जी हां, सौरभ देश के गौरव बन गए। वहीं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल से खाता खोलने वाले बजरंग पुनिया ने न सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के इस चिराग ने दिन रात एक कर इस कामयाबी को छुआ। सोनीपत में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाता ये पहलवान बजरंग पूनिया का परिवार है। बजरंग ने जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में 65 किलोग्राम भार में जापान के पहलवान को कड़े मुकाबले में हराकर देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे में ये खुशी वैसे तो पूरे देश में है लेकिन परिवार के लिए इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ही बजरंग के गोल्ड जीतने की खबर परिवार को लगी तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बजरंग के माता पिता को अपने बेटे की इस बड़ी उपलब्धि पर नाज है तो वहीं उनका कहना है कि अब उनका बेटा ओलंपिक में भी इसी तरह गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करेगा। जो बजरंग गया था यहाँ जयकार्ता इसमें एशियन गेम में, तो मैंने कही थी बेटे बजरंग लियाना मेडल और विदेश के लिए, और वही इच्छा पूरी कर दी। बहुत ही बढ़िया लड़ा है, बहुत बढ़िया खुशी है सारे देश को, सारे देशवासियों की दुआ है बजरंग पर। अरे बढ़िया नहीं कर दा भाई, मेडल ले ही लो कहीं खाना रखे, मैं बढ़िया मेहनत कर देश का काम का गवांड का सबका नाम बढ़िया स्वागत करा ना आराम कई कर रखा है भी कर सुनपत में कर दिया। अच्छा ये बताइए, जैसे बजरंग में कितनी आयु में खेलना शुरू किया था? इसमें 87 साल का नहीं मंडी सिक्योरिटी मत खेलन जाएगा। अच्छा पहलवानी का शौक बचपन से ही था? बचपन से ही था भाई इसमें।
बजरंग पूनिया की इस उपलब्धि से पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ बाप ही नहीं, बजरंग के यार दोस्त, भाई भाभी सभी बस अब बजरंग के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत ही खुशी हो रही है, हमारे परिवार को और देश का नाम रोशन किया उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारा साथ, परिवार का साथ और हमारा साथ सबका, बस देशवासियों का ही साथ रहेगी। टोक्यो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, आज हमारी खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिससे कि हम उम्मीद से भी ज़्यादा हो गई। हम सोच रहे थे कि एक बार तो घबराहट हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा, फिर एकदम से वही बात है, खुशी जाहिर नहीं कर सकते कि बहुत ही खुशी ज़्यादा हो रही है। हमें घर आने पर बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा जोर शोर। बजरंग पूनिया का पूरा परिवार और गाँव अब बजरंग के भारत लौटने के इंतजार में है, ताकि उसकी इस बड़ी उपलब्धि के बाद देश लौटने पर उसका जोरदार स्वागत किया जा सके। और भला हो भी तो क्यों ना, बजरंग ने देश का नाम जो रोशन किया है। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के जलवे की धूम है, लगातार मिल रहे पदक देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। पलवल के अभिषेक वर्मा ने शूटिंग में जैसे ही कांस्य जीता, घर में मानो उत्सव शुरू हो गया। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है अपने देश के लिए पदक जीतना, और पलवल के अभिषेक वर्मा ने यह सपना पूरा किया। एशियन गेम्स 2018 में अभिषेक ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्रॉन्ज मेडल जीत के, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, और क्वालिफिकेशन में काफ़ी टफ कंपटीशन था, लेकिन फर्स्ट से लास्ट शॉट तक मैंने पूरी कोशिश करी, और इन फाइनल स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन थोड़ा काफ़ी आफ्टर सेकंड सीरीज सब नॉर्मल हो गया, और मैं अपने पेरेंट्स और अपने कोच का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उन दोनों के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और आगे भी मैं ऐसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करता रहूँगा। और सितंबर में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोरिया जा रहा हूँ खेलने, और वहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट परफॉर्म दे पाऊँ। इधर पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई, घर में तो मानो उत्सव है, लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। अभिषेक के पिता पलवल कोर्ट में सेशन जज हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही अभिषेक को खेलों में रुचि थी, उसके शौक को परिजनों ने बढ़ावा दिया और अभिषेक ने कड़ी मेहनत की जो रंग लाई। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, उसने जो कोरिया के वर्ल्ड चैंपियन थे उन्हें भी हराया, चाइनीज को भी हराया, और फिर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, और आगे और अच्छा करेगा। हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, आज हम सातवें आसमान पे हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि भी जो उसने जो इतना हार्ड वर्क किया उसको उसका रिजल्ट आज मिल गया। अभिषेक की माताजी का कहना है कि हर बच्चे को खेलों में बढ़ावा देना चाहिए, खेल युवाओं को स्वस्थ भी बनाता है और उनका ध्यान भटकने से भी बचाता है। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि सब माताएं अपने बच्चों को एक एक खेल में जरूर लाएं, जिससे कि बच्चों में डिसिप्लिन आता है और बुरी आदतों से भी बचते हैं, जैसे कि आजकल के नौजवान भटकते हैं, तो उससे बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, एक गेम खेलेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और अपने देश का नाम भी रोशन। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के जलवे की धूम है, भारत के मान सम्मान बढ़ाते इन खिलाड़ियों को सलाम। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो एशियन गेम्स में भारतीयों का दबदबा दिख रहा है, पूरे दमखम के साथ खिलाड़ी भारत का परचम लहरा रहे हैं, जिनके लक्ष्य ने भी सटीक लक्ष्य भेदते हुए पुरुष ट्रैप शूटिंग में सिल्वर हासिल किया। पूरे देश में एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के जलवे की धूम है, वहीं जीन भी जमकर जश्न मना रहा है। जीन के पूर्व पार्षद सोमवीर श्योरण के 19 साल के बेटे लक्ष्य ने निशानेबाजी में पदक जीतकर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। सिल्वर पुरुष ट्रैप शूटिंग खेल में लक्ष्य ने सिल्वर मेडल जीतकर एशियन गेम्स में भारत का मान बढ़ाया। बेटे के इस उपलब्धि पर परिजन फूले नहीं समा रहे। बहुत खुशी है, परिवार को भी है, हमारे पड़ोस अड़ोस पड़ोस में है, जींद वालों को है,
पूरे हरियाणा को खुशी है इस बात की। ये पदक इसलिए भी खास है क्योंकि निशानेबाजी में पदक जीतने वाला लक्ष्य सबसे छोटी उम्र का खिलाड़ी है। 4 साल की मेहनत में ही लक्ष्य ने एशियाड जैसे प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया। इससे पहले 2017 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। फिलहाल घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हमें उम्मीद गोल्ड की थी। कहां चुके लक्ष्य से? वो बेटा शुरू में जो 2 टारगेट छोड़ चुका है उसमें वो मात खा गया। कैसा मुकाबला रहा? आपने देखा हुआ? हमने लाइव देख रहे थे सभी। बहुत अच्छा मुकाबला था और मेरे ख्याल से सबसे छोटी उम्र का लड़का है ये, 19 साल का है। बाकी तो 52-53-40 साल के हैं। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन था और एज भी थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे ज्यादा। सबसे बड़ी उल्टी कि 19 साल की उम्र में लक्ष्य ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है, लक्ष्य सोरण, ये बड़ी गर्व की बात है। छोटा सा बच्चा और इसके पीछे खासकर सोमवीर पहलवान का, इसके पिताजी का बहुत अच्छा योगदान रहा। उसकी मेहनत, एक किसान परिवार से ऊपर उठ के व्यापारी वर्ग में भी अच्छा नाम कमाया इसके पिताजी ने, और लड़के ने भी बहुत अच्छा खेलों में बड़ा इस देश का, हरियाणा का, खासकर जींद वासियों का बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है और हमें बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है। मैं मेरे भाई को बधाई देता हूँ और हम पूरे खुश हैं, हमारा परिवार पूरा खुश है। जश्न मन रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं लोगों की संख्या, यार प्यार सब। लक्ष्य को बचपन से ही निशानेबाजी का शौक था। कभी बल्ब, कभी गुब्बारे, कभी बर्तन पर निशाना लगाता। शुरू में तो घर परिवार आस पड़ोस परेशान रहता, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य का ये शौक जुनून में बदल गया। लक्ष्य मेलों में जाता तो खूब निशाने लगाता और ये निशाने बिल्कुल सटीक होते। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है, ये पूरे इंडिया का मेडल है, हमारी पूरी फैमिली का भी है और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, बहुत सारे मेडल्स लाए हैं, तो हम सभी के लिए खुश हैं, सिर्फ लक्ष्य के लिए ही खुश नहीं है। और मैं श्योर थी कि वो इतना जरूर करेगा, वो ओलंपिक में भी जाएगा, मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ। खुशी भी नहीं उठती जिनकी मैं सोचा भी नहीं था। हमें भी गर्व है इस बात में, हमारा छोटा भाई लेके आया इस स्टेज के लिए, कभी नहीं था। शरारती तो एकदम बता दी। हाँ मतलब पोड़िया करता, ये इसमें करवे धरे थे ये, हाँ मट्टी मट्टी के मुँह में भी बड़ा बड़े फोड़ दिया करता। अपने बेटे की कामयाबी पर नाज करती नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन और लक्ष्य की माताजी का कहना है कि सरकार को महिलाओं को भी शूटिंग रेंज में आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूरा परिवार भावुक है लक्ष्य की सफलता पर। छोटी सी उम्र में लक्ष्य की ये कामयाबी भविष्य में और उज्जवल हो, टोटल न्यूज भी यही कामना करता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।